तू चांद और मैं तारा। मैम इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। फिर मैम मैंने कहा ना मुझे मामा कहो अच्छा लगेगा। मामा? अरे बेटा हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे हबी का घर है, हमारा निकाह हुआ है, मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है। क्या? यही के अनारकली अपने सलीम अंकल के घर चली। सारे मैंने सारी जिंदगी अकेले बन के अजाब को झेला, और तुमने सोच भी कैसे लिया? इतने प्यार करने वाले बाऊजान, तुम्हारी जान छिड़कने वाली चच्ची और बहन भाइयों से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूंगी। नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। नहीं सेल्फिश नहीं हूँ मैं। क्या हीरा लड़की है, क्या तरबियत की है आपने। सचमुच मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इधर आ बेटा, जीत ही रहा, दिल जीत लिया। सारी बात तरबियत और खानदान की होती है बाबू भैया। मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी हो गई है, इन दोनों को आपस में बात करने दें और फिर कोई फैसला कर लेंगे। जाओ आप लोग बात कर लो भाई। नारा मेरी बात सुनो। मैं खाना लगवाती हूँ। खाना? क्या खाना जी, मेरा तो दिल ही भर आया तारा की तन्हाई का सुनकर। अल्लाह नजरे बच से बचाए बस इन बच्चों को। आमीन आमीन। लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा यार, देखो डॉक्टर राजे ने इतनी मेहनत से कोरमा बनाया, उसकी खुशबू आ रही है देखो। ऐसे लग तो मजे कर रहा है, खा लेते हैं। वैसे एक बात है जाफर साहब, आपने बड़ी खानदानी परवरिश की है अपनी बच्ची की। काश आप लोग भी थोड़ा सा वक्त लगा लेते अपने बच्चों पर। इसने आप सबसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया है भाई, खुद ही निकाह पढ़वा लिया। थोड़ा मोटा दिमाग है इसका, जिधर लगाओ लग जाओ। मतलब अभी घर जाके हम भी जब दो चार लगाएंगे ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे कह रहा हूं। अच्छा आए ना, बैठे बैठे आप लोग। आए आए। तारा क्या हो गया यार? अब पता चला ये मैम को मॉम कहने की परमिशन क्यों मिली थी। तुम एक अमेरिका की टिकट में बिक गए हो। I swear, तुम्हारी मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम ऐसा चाहती हो। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? मुझे क्या पता, इंसान का इरादा बदलने में टाइम थोड़ी लगता है। मैं तुम्हें इतनी गैर मुस्तकिल मिजाज नजर आती हूँ, और तुम तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा जानने के दावे करते हो। 20-20 पेजेस लिखे तुमने मेरे नाम पर। क्या फायदा हुआ 20-20 पेजेस लिखने का? उस छोटी हड्डी का ताना दे दिया तुमने सारे खानदान के सामने मुझे, ताकि उनको भी पता चले कि मैं उनके बेटे को उनसे अलग करना नहीं चाहती। ये जो तुम्हारा सबके साथ रहने वाला भूत है ना, ये 4 दिन में उतर जाएगा, और अगर 1 दिन में उतार रहे ना, चलो मेरे साथ मेरे घर। ये क्या था यार? ये इंटरेस्ट फ्री चप्पल थी। और ये तो बताओ ये अमेरिका में किस माँ के पास जा रहे थे हम सबको छोड़कर? चाची हम कहीं आए हुए यार, यहाँ का तो एहसास कर ले, सबके सामने मार रही है मुझे। अरे अभी तो सिर्फ चप्पल मारी है मैंने, वरना ऐसी धुलाई करती मुर्गा बनाती यहाँ पर तुम्हें। यार मैं कौन सा सामान बांध के बैठा हूँ चाची के, फौरन निकल रहा हूँ। इतनी दूर से चप्पल मार दी, मेरी कमर पर निशान बन गया होगा। जुग जुग जियो, हम तो खुद अपने चांद और तारा के बगैर रह ही नहीं सकते। पलकों पर बिठा के रखेंगे तुम्हें। और ये तो है पागल, इसकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। क्यों यार, बेहतरीन हो गया, लेकिन पूरे घर के लिए कपड़े देना, 2 पोज दे रहे हैं यार उनको। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बताता हूँ। ओके ओके। मम्मी की कॉल थी, कह रही है ड्रेस मिल रहा है पीआर पैकेज में फंक्शन के लिए। तुम्हारी पीआर पैकेज तो मैं घर जाकर उतार दूँ, एक अंडा वो भी गंदा। अरे आ रहा है ना दूसरा अंडा, और बच्चे तो माँ बाप पे जाते हैं वैसे भी। क्या कहा? बहुत मायूस किया तुमने आज। गुल्लू अगर जिंदा होती ना तो तुम्हारी हड्डी पसली बराबर कर दे। कसर तो चच्ची ने भी नहीं छोड़ी है, पराए घर में जूता परेड शुरू कर दी यार। बताओ जी, तो मेरा भी यही चाह रहा था ठुकाई शुरू कर दूंगी, लेकिन सदमे से एक निवाला हलक से नहीं होता। मुंह पे तो झूठ ना बोले, मेरे सामने आपने 2 प्लेट कौरमा और 1 प्लेट बिरयानी के खाए। बाप के निवाले गिनते हैं। और ये अमेरिका जाने वाली बात हमसे क्यों छुपाई? मुझे लगा मैं जाऊंगा बाहर तो यहाँ सबको अच्छा लगेगा। बच्चों को दूर करके कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? और जो माँ बाप ये कड़वा घोंट पीते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो भी नमाना मामा से। तो मैं भी तो तारा के फ्यूचर के लिए ही कह रहा हूँ। और तुम लोगों के फ्यूचर के लिए जो तुम्हारे बाऊजान ने दूसरी शादी नहीं की, उसके बारे में क्या?
तो गलत किया ना बाबूजान आपने, कर लेनी चाहिए शादी, बल्कि अभी भी कर सकते हैं। क्या बात करी अभी कैसे? क्यों नहीं, इसी उम्र में तो ज्यादा जरूरत होती है लाइफ पार्टनर की। लाइफ पार्टनर की जरूरत हर एज में होती है, ये बात तुम भी समझने की कोशिश करो। बाबूजान मेरे गोल्स कपल गोल्स से बहुत डिफरेंट हैं, आप भी तो समझने की कोशिश करें। अभी तुम ऐसा करो कि अपनी बास्केटबॉल पकड़ो और लॉन में जाकर गोल करो, मुझे इस नालायक से बात करने दो। जाओ। ओए माला, अपनी नास्तची को देखा क्या? मच्चू नास्तची को छोड़ो और अपने बैंड से ना बाबूजान का बैंड बजवा दे। शर्म करो बदतमीज, मेरे बाप जैसा बड़ा भाई है बच्चों की तरह पाला, तुम कह रही हो मैं उनका बैंड बजा दूं? तो मच्चू आप भी हमारे चाचा थोड़ी है, बेस्ट बड़ी है, हमारे माजी में इतनी कुर्बानियां दी है आपके लिए, अगर आपने आज बैंड नहीं बजवाया ना तो बाबूजान मेरे इकलौते भाई का बैंड बजाते रहेंगे। अच्छा ऐसी बात है, जागो और इस दुनिया के सारे जालिम अब्बाओं को अपने अंदर जगा दो। अगर ऐसी बात है तो माला अब तुम देखना मैं इस चांद नगर के दरो दीवार हिला दूंगा। मेरा बाजा क्या है? मुझे क्या पता? मुझे पता है। यस यस। ओ नहीं, ओ ये भी ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये तुम अपने हाथ से पीने देना। ओके। तो हम कहाँ थे? हम यहीं पे थे। हम कहाँ थे? बात क्या कर रहे थे? आप मेरी तारीफें कर रहे थे। हाँ हाँ याद आ गया, मैं तो समझता था कि तुम यूं ही बाहर जाने की बातें करते हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम्हें तो जब भी मौका मिला तुम तो निकल लोगे पतली गली से। भावजान अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं इतना भी हालात का सताया हुआ या अपने घर वालों से उकताया हुआ नहीं हूं। ये मत्ती की मत फिर मारी गई है, लगता है अपने कारों की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी तुम्हारे सुसर से। मैं जाके बात करता हूँ मच्चू से, मैंने कई बार मना किया है, मोहल्ले वाले शिकायत कर चुके, सुनते ही नहीं है ये यार। रुको, फिर तो बाप को चूना लगा के निकल गया। मती! और भाई बचा लिया मच्चू के ड्रम ने, मैंने बजवाया था। अरे बाबू जान से तो बच गया, लेकिन इस ड्रम को बंद भी करा दो और दिमाग खराब कर देगा ये हमारा। छना तो नवाब साहब मेरी नाक के नीचे मामा के साथ डील्स करते फिर रहे हैं, ऊपर से एक सॉरी नहीं कहा मुझे। सारे इंजीनियर्स एक ही जैसे होते हैं, मशीन्स के साथ रह के ना खुद भी मशीन बन जाते, इमोशंस और फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती इनके अंदर। एक तो उस छोटी हटी डॉक्टर अशर का ताना दे दिया मुझे पूरे खानदान के सामने, अब सॉरी भी नहीं कर रहे। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, दूध गुस्से में, मेरा मतलब दूध गर्म है ना। बाहर में जाए, मैं क्यों अपनी नींद बर्बाद करूं उसके लिए, अभी मजे से ना फोन बंद करके सो जाती हूँ। खुद तो मजे से सो रही होगी वो, मैं क्यों जाग रहा हूं, मैं भी सो जाता हूँ, फोन ऑफ कर देता हूँ, ना फोन ऑन होगा ना मुझे आस रहेगी कॉल की। हाँ ये ठीक है। फोन तो नहीं करने वाली वो, माउंट एवरेस्ट के बराबर की अनाया उसके अंदर। चलो मैं ही कर लेता हूं कॉल डीड बन के यार। ओहो फोन ऑफ किया हुआ मैडम ने, भाई वाह क्या बात है, जैसे मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं फोन ऑफ करूंगा। अच्छा ये लो, अब सोऊंगा मैं घोड़े बेचकर। क्या समझ के रखा हुआ है, हम भी इंजीनियर हैं,
फोन ऑफ कर दिया यार, बता। नींद नहीं आ रही मुझे, लेकिन फोन ऑन नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए ना। तो वैसे ही नहीं आ रही है, चलो उसको फोन करके ना अपनी बढ़ास से निकालूं, उसकी नींद तो खराब करूं। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नंबर ही पावर ऑफ कर दिया है। जैसे इसकी आवाज नहीं सुनूंगी तो मर जाऊंगी मैं। मैं सो कर दिखाती हूँ। कहाँ रह गया तुम्हारा लड़का? अरे वाह, कल तक तो आप बेटा बेटा कर रही थी, आज से लड़का हो गया वो। अरे इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है इसका? आपने ऑफर की और झट से लग गया एयरपोर्ट की बोर्डिंग पे। अब तो पक्का शक हो गया है मुझे, इतनी सेंसिबल और वेल एजुकेटेड खातून की ऐसी बेवकूफ और नॉन प्रैक्टिकल बेटी हो ही नहीं सकती। बेवकूफ किसे कह रहे हो तुम? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मम्मा से बात कर रहा हूँ। आज से ना मैम कौन है? है क्या मतलब इस बात का? तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा आप मुझे। जो कुछ कहना है खुल के कहो। मामा मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? इसी महीने शादी करूंगी मैं रेडी हूँ भाई। लेकिन लेकिन क्या? इसके साथ नहीं, डॉक्टर अशर के साथ। देख लिया आपने कैसे मुंह पे इनकार करके गई उस छोटी हड्डी के लिए? गुस्से में है, इग्नोर करो इसे। इसे समझ क्यों नहीं आता हम इसके फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। देखिए मेरा जैक लगा तो मैं तोड़ जाऊंगा यहाँ से। बस यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो। हाँ लेकिन क्या फायदा मैम, वो तो इनकार करके चली गई। उसके इनकार में छुपे इकरार को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। समझाओ इस बेवकूफ को उस जंजालपुरे में रहते हुए कैसे करेगी स्पेशलाइजेशन। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में तो हर वक्त शोर रहता है ना, और वो तुम्हारे मच्छू वो तो हर वक्त बैंड बजाते रहते हैं। उसी बैंड बाजे में मैंने MS किया है मम्मा, मैं अपने घर वालों से तंग होकर नहीं जाना चाहता, मुझे तो बस प्राइवेसी चाहिए। हाँ हाँ वही उसी की बात करे। अच्छा तुम उसके पीछे जाओ, समझाओ उसे, क्योंकि उसका बाप तो अब डॉक्टर अशर के लिए कभी नहीं मानेगा। अरे लेकिन वो तो बहुत दूर निकल गई है। अरे बेटा यू टर्न लो ना। अरे आप देखिए मैं कैसा यू टर्न लेता हूँ, आज के बाद यू टर्न के साइन की जगह सिर्फ मेरी पिक्चर लगी होगी। आप देखें भाग रहे हो मेरे साथ, लिख कर दे दो किसी और के साथ भाग जाता हूँ। लाओ पेन और पेपर निकालो। अरे मेरे दिल पर लिख दो अपनी उंगलियों से कि तुम्हें आजाद किया। तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है क्या? सच सच बताना, वो छोटे हड्डी मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या? तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं, तुम्हारे खानदान की वजह से हाँ किया था मैं। तो फिर तो उस छोटी हड्डी का खानदान है ही नहीं, माँ कब्र में है और बाप नजरे जमाए बैठा है तुम्हारे हॉस्पिटल पे लालची दरिंदा। जिनका है उनको तो कदर है नहीं, तो सोचा उसी से कर लेती हूँ शादी। अच्छा मोहब्बत मुझसे करती हूँ शादी उससे करोगी? करोगी? लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले जब जिंदा इंसानों से नजरें चुराने लगे ना, तो इसका मतलब होता है कि दाल पूरी काली है। जरा मेरी तरफ देख के बात करो। क्या है? प्यार है। कर सकती उस बात से इनकार तो फिर अशर और शेर की धमकियां किसी और को दो जाकर। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकती हो। बड़ा गुरूर है तुम्हें खुद पर? गुरूर नहीं है, यकीन है अपनी मोहब्बत पे। फिर भी अगर जाना है तो जाओ फिर। चली भी जाऊंगी। हाँ जाओ, कहाँ जाओगी?
जहाँ जाओगी 10 साल बाद मुझे वहीं खड़ा पाओगी। अरे तो रुकी नहीं रही। अरे रुक जाओ एक मिनट, बात तो सुनो मेरी। आ गए ना मेरे पीछे। तुम ये देखो मैं हमेशा तुम्हें खुद से आगे रखता हूँ। अच्छा खुद से थूक दो ना, हम कहीं बाहर बार नहीं जा रहे। पक्का? यस। अब 2 दिन की छुट्टी ले लो। बाबूजान ने कहा है कि तारा हमारे घर के सारे फंक्शन एंजॉय करेगी। तो फिर ले तो छुट्टी अपनी नई नवेली डॉक्टर मामा से। अरे वो तो मेरी फैन बन गई है, ऐसे छुट्टी देंगी ऐसे। आ जाओ। खीर, दूध जलेबी, गाजर का हलवा, ट्राइफल, दूध दुलारी, ये कुछ मेन्यू ज्यादा लंबा नहीं हो गया? बाबू भैया क्या करें, इकलौती औलाद है, डंडी मारने का दिल नहीं चाह रहा। हालांकि काम उसने डंडे खाने वाला किया। क्या तुम सुकून से बैठ के काम नहीं कर सकते? सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बताइए बताइए, डेकोरेशन सारी मैं देख रहा हूँ, केटरिंग को तुमने खुद पर्सनली सुपरवाइज करना है, किसी चीज में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। डन। पूरा खानदान भिगो भिगो कर मार रहा है मुझे। अब मैं नहीं दे रही फोन पर किसी को भी कल के फंक्शन की दावत है। मैं तो कह रहा था कि इस मेहंदी की भी क्या जरूरत है। अरे बाबू भैया, एक तो हाशू ने हमारी गर्दन पर अंगूठा रखकर हमसे ये फैसला करवाया है, और ऊपर से वो शाहीन जेट तैयार है, उसकी बेटी आकर घर में बैठ गए मेहंदी के चक्कर में। लो जी आ गया जोरू का गुलाम। कहाँ गए थे तुम सुबह से? वो नाश का ना डबल पैसों में ड्राई क्लीन करा के आया हूँ ड्रेस। शादी इतनी इमरजेंसी में निकली कि नया जोड़ा खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, वरना गुलाबी रंग बहुत सूट करता है मेरी नाश पे। मत्ती आप आ गए, वो मैंने फेस वॉश और स्क्रब मंगवाया था ले आए। मत्ती दुनिया की सारी चीजें भूल सकता है लेकिन तुम्हारी चीजें नहीं भूल सकता। बाबू भैया बताइए, ऐसे देखे इसके सगे भतीजे की शादी है, जरा अपनी बीवी से नजरें हटाकर अपने भतीजे की शादी पर गौर करें। भाई साहब मेरा बैंड बाजा बिल्कुल तैयार है, आज की परफॉर्मेंस से धरती हिला देंगे हम। अभी तो मेरा दिमाग हिला रहे हो तुम। डैडी लाइटों वाले आए हैं। हैं आ गए। हाय खुदा के लिए आज इसकी ये गन संभाल कर कोई रख दे, चांद की जो सास है ना वो अब तक ताने देती है इसकी मुझे। अरे सत्यानाश कर दिया मेरे कपड़े बटोरे के बच्चे, मेरी वैसे तबीयत खराब हो रही है। भाभी इससे जरा बच के रहिएगा, कहीं आपका अगला वाला ऐसा ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे, फिर तो सफों का अंग्रेजी वाला सफर शुरू ही हो जाएगा। क्या मुसीबत है यार। आज ना चांद के भाई की मेहंदी है, तुम जाओगी? हाँ। ब्लड शुगर की रिपोर्ट कहाँ है इस पेशेंट की? सॉरी वो शायद रिसेप्शन पर रह गए, फौरन लेकर आना। डॉक्टर तारा लगता है आज सुबह आपने राउंड नहीं लगाया। आज के नोट्स कहाँ हैं फाइल में? ये यहाँ मैंने खुद लिखे थे, मैं दिखाती हूँ। ये रे, इनका आज अल्ट्रासाउंड भी होना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? दिल बहुत घबरा रहा है। उनके ईसीजी करवाएं फौरन। जी मैम। मैम ये चेक कर लीजिए उनकी रिपोर्ट। पहले मैं इन्हें चेक कर लूं। जी सॉरी मैम। अब सॉरी मैम। अरे भैया इतने कम फूल क्यों लगाए हैं, लाइन भी सीधी नहीं है। मुझे फ्रेश फूल चाहिए, हमें पता है इस काम का, ये कब्रों से उठाकर फूल उन पे पानी मार के दोबारा से भेज देते हैं, फ्रेश ताजा। अच्छा भाई ये घर का फंक्शन है और इसमें बहुत ही जबरदस्त बजाना है, मेहमान जब आए वो देखेंगे यार कितना अच्छा बैंड है, ताकि हमें आगे काम मिले। ठीक है लेकिन दिल से बजाना है। ओके बजाएं। पुरानी जश्न आजादी वाली धुन बजा रहे हो यार।
शादी का माहौल है, शादी वाला बजाएं, बजाएं। डीजे से ही काम लेना पड़ेगा। वहां से एंटर होंगे, आपने तस्वीर लेनी है, चश्मे हमने पहने हुए होंगे। ओके सर। अब अच्छी लेनी है तस्वीरें, बाद में अगर मैंने टैग नहीं किया ना तो मतलब यार माला इनको उधर ले जाओ ना यार। ये क्या है यार, मुझे क्या पता तुम्हारे, समझ गए ना आप यार। डन सर, एक फिगर एक खींच के दिखाए, चल लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, चल दिखाए माल। ओ यार अकल को हाथ मारो, तुम्हें रेशमी कबाब और बिहारी कबाब में कोई फर्क नहीं लग रहा है? और गजरेले का तुम्हें कहा था कि कल के लिए तैयार करना है, तुम हाथ चढ़ा कर बैठ गए, हद कर दी यार। यानी कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या हाथ बांध कर बैठ जाऊं? करो करो जल्दी करो। अच्छा मिस्बा, आपने गजरे जो मेन टेबल है वहां पर रखने हैं ये, और मुस्कान आप चारों तरफ जो है इसको ऐसे डेकोरेट करें कि बिल्कुल एक अच्छा सा लगे ना लुक। क्या कर रही हूँ, इतनी देर खड़ी मत रहो, थक जाओगी भाई। चलें, किसी बहाने आपको मेरा ख्याल तो आया। ये आशु की सास बड़ा गैर खानदानी डांस कर रही है। लेकिन ये आपकी नजरें सिर्फ खवातीन के गिर्द क्यों घूमती हैं? जाकर कुछ इंतजाम संभालिए, जाइए। अरे कहा था कि छत पर करवा लें खाने का इंतजाम, लेकिन बाबू भैया ने गली में करवा दिया, वो खालिद भाई है ना, बलवा डाल दिया। अरे कह रहे हैं कि एक देग मेरे लिए बचा के रखो, हद हो गई। तो छत पे हो या जाके काम करें। हाँ हाँ देख के आ रहा हूँ। डीजे सुनो, वो वाला गाना था ना जो हम टीवी पे चलता है, बल्ले बल्ले बल्ले, हाँ वो जरा चलाओ ना। मेरी तो अपनी फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा इंस्टा पर, बस 3-4 माह में ब्लू टिक मिला ही मिला। तो मेरा भी बड़ा नामो मकाम होता होता अगर बाबू भैया मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने देते, मेरे तो खाब ही चकनाचूर हो गए, नजर ही लग गई मेरे टैलेंट को। तो पहला स्टेप था 1 2 3 4, 1 2 3 4। जल्दी जल्दी फूल रखो ना यार, पूरा सोना पड़ा हुआ है घर। ओए होए चांद ये देख यार अपनी चच्ची को, माशाल्लाह। इसी तरह के ठुमके बिना मैं पहली बार दिल हारा था। और मैं झुमके पे है तारा कॉलेज में पहन कर आई। ओए ये खुसर पुसर बंद करो, जाओ जनरेटर वाले को फोन करो, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? कर रहा हूँ यार, खुद का तो हो नहीं रहा, हमारा रोमांस तबाह कर रहे हैं। चल मेरा रोमांस बहुत टाइट है। मेरा भी। 1 2 3 4 और फिर चक्कर। हाँ वो तो तुम भूल गई, वो कुछ क्या हाँ ऐसे ऐसे बताया था। वो कब आता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तुम्हें 4 से ज्यादा गिनती नहीं आती क्या? नहीं नहीं आती है गिनती तो, मगर उसने कहा था ना कि पैर की थाप पे करें, बीट होती है ना पैर की, 1 2 3 4। थोड़ा सा राइट दिखाओ, ये कौन है? कितना मजा आ रहा होगा ना। अरे हमें तो सब मजा आएगा जब तो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा आप कहाँ हैं, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ, कब आएंगे आप लोग? शाम में। तुम बताओ तैयारियां कैसी चल रही? बहुत अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा मम्मा वो बाऊजान कई बार पूछ चुके हैं तारा का, कब तक आएगी तारा, तारा को भिजवा देना। भिजवाती हूँ, तुम फोन बंद करो। जी। एहतियात किया करो, बार बार फोन बजता है तुम्हारा। सॉरी मैम, अब वो सनी को साथ ले जाओ अपने। ले जाओ, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम दोनों ने 2 नाइट्स फुल करनी है। मैम 3 कर लेंगे, चले सारा। चलो। अच्छा सुनो। जी मैम। ढंग से तैयार होकर जाना, इन लॉस का मामला है। जी। पागल फोन तो करने दे ड्राइवर को। नैन तारा की मामा का हॉस्पिटल है, गाड़ियां भी बहुत और ड्राइवर भी। सर सर कितने दिन लगेंगे डिस्चार्ज? मैंने चेक कर लिया, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। ओके।
सगर। नहीं साकिब भाई, मुझे पपी चाहिए। कहाँ है पपी? क्यों चाहिए? हाशु है ना हमारा। हाशु इधर आओ, रूमी के साथ चलो फौरन। यार काम काम करें, अपना काम करें। नहीं माला, आजकल ट्रेंड है ना ब्राइड्स एनिमल्स के साथ फोटो शूट करवाती हैं। वो डंकी कपल याद है? ओ रूबी, मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें हमारे हाशु में क्या पसंद आया। खैर मैं तो अपनी शादी में कोई जानवर शामिल नहीं बुलाऊंगी भाई। देखेंगे तुम्हारी शादी में, देखेंगे। हाँ एक से, एक से, एक से। आज नहीं डॉक्टर साहब, आज नहीं। जमील भाई आप तो ऐसे डरे जैसे आपसे कोई किडनी मांग ली हो आपकी। मुझे आज भी आपके इरादे नेक नजर नहीं आ रहे। जमील भाई आपके सर की कसम, हम नेक काम के लिए ही जा रहे हैं। और वैसे भी ये एम्बुलेंस मैंने डोनेट की थी अपनी खून पसीने की कमाई से। डॉक्टर राजे ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बता बता रहा हूँ, छोड़ इस रोल को, मैं घर से गाड़ी मंगवा लेती हूँ। नहीं यार लेट हो जाएंगे। जमील भाई प्लीज कुछ करें ना, प्लीज। छोड़ कर आ सकता हूँ लेकिन चाबी नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है। इन्हीं कपड़ों में जाएंगे या? अरे नहीं, हम फुल टचअप में जाएंगे अपने सिग्नेचर स्टाइल में। चले जमील भाई उड़ाए एम्बुलेंस हमारे घर। इम्पोर्टेंट ईमेल चेक करनी है। अरे वाह, इससे तो फॉरेन डाउनलोड हो जाएगी। ये वाला बताओ। यार तारा ये ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें आज सबसे अच्छा लगना है। यार मेरी शादी थोड़ी है। अच्छा ये वाला बताओ। तारा नहीं अच्छा लग रहा ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। ये कलर तो अच्छा लगता है मुझ पे। ये इसका वार्डरोब है, कोई धनक मस्तानी का आउटलेट नहीं। अपनी दोस्त से कहो कबाब में हड्डी ना बने और कैमरे को जरा सीधा पकड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ मिस्टर, मैं कोई कैमरामैन नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हो। मिस्टर सारिफ, अब आपके लिए भी ना मेरे लोग एक सरप्राइज है, तो आप इंतजार कीजिए। यार क्या चीज है ये चाइना का वायरस, कितना कॉन्शियस हो रहा था तुम्हारे लिए। यार उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है ना मेरा। खैर तुम्हें जो वार्डरोब से अच्छा लग रहा है तुम निकाल कर पहन लो, ये ना हो कि जमील भाई चले जाएं। सनम कच्ची गोलियां नहीं खेलती, चुपके से उनकी एम्बुलेंस की कीज ले आई थी। रोमियो भैया इतनी अच्छी फोटो शूट कीजिएगा कि हमारे फैंस को वाकई लगे हमारा मायू हुआ था। लेकिन जल्दी कर ले प्लीज, मेहंदी का शूट भी करवाना है। हाँ चले मैम, आप थोड़ा करीब आइए। रूमी देख के व्हाइट कुर्ता है, मेहंदी ना लगे प्लीज। हाँ मेहंदी है, गोबर थोड़ी है, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये तुम आईफिल टावर जितनी हील्स पहन के आ गई हो, मैंने मना किया था रूमी। तुम्हें तो मेरी आज हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। चले यूं पोज करके लेते हैं। रूमी मैंने बोला था ख्याल रखना, मेहंदी लगा दी है व्हाइट कुर्ते पे। हाँ तो तुम भी तो थोड़ा ख्याल रखो, हमारी मेहंदी है, एक कुर्ता खराब हो गया तो क्या मसला हो गया। क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो। जाहिल मैं? जाहिल मतलब बताओ। दे दिया सबूत के कौन जाहिल है, खींचे भाई इनकी पिक्चर खींचे। मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मतलब इस बात का? ये तीसरा झगड़ा है आपका इस इवेंट में। आपको फुल डे के लिए पे किया है ना, तो एक झगड़ा हो या 10 आप यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकर आती हूँ स्टूपिड हाशू को। अरे भाई वहाँ नहीं रखना था, उसको वहाँ लेकर जाओ। बाबू भैया देख ले, मत्ती ने कुछ नहीं किया अभी तक जनरेटर का। अरे तुम छोड़ो उस जोरू के गुलाम को, तुम कॉल करो अहमद साहब को, वो कर देंगे। ओए अल्लाह खैर, ये एम्बुलेंस की आवाज क्यों आ रही है हमारी गली में? अरे लगता है शेख साहब की तबीयत फिर खराब हो गई। ऐसा ना करें बाबू भैया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल। ये मेरी दोस्त है सनम, इसको भी जबरदस्ती मेहंदी में साथ ले आई। नहीं बहुत अच्छा किया, लेकिन आप लोग एम्बुलेंस में आए हैं? वो ये मामा के हॉस्पिटल की है गाड़ी, थी ना हमारे पास, तो मामा ने कहा इसमें चली जाओ जल्दी पहुंच जाओगी। डॉक्टर साहब बहुत समझदार हैं, अब जरा सोचिए ना कि इस तरह एम्बुलेंस का इस्तेमाल इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जमील भाई मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, अब आप जाएं। जी मैडम ठीक है। आओ बेटा। जी जी जी। देखो भाई कौन आया है। अरे भाई
सेल्फियां छोड़ो, देखो कौन आया है बेटा, कौन आया देखो। आप कैसी हैं? चांद भाई, चांद भाई, तारा भाभी आ गए। आ गए? आ जाए, आ जाए। जिसा नमूना मुझे मिलना नहीं है, मैंने छान के है देखा जग सारा। आसमां के नीचे जितने लूजर्स हैं उनमें नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है तुम्हारा। इसके चेहरे पे ना जाना, लगती है भोली भाली। इसकी तेरे मन का चांद, तू मेरी अखियों का तारा। तू मेरे मन का चांद, ये तेरी अखियों का तारा। कभी सियानी कभी दीवानी, कैसे तू ये करे है जरा सा बता दे। लगता है तू अनाड़ी मगर है खिलाड़ी, कैसे तू सब करे है हमें भी सिखा दे। कहीं ना कहीं पे कड़ी कोई तुझे जो जा मिले, तो किस्मत ही है ऐसी। बाबू भैया, और जनरेटर आ गया है। तारिफ, क्या हुआ? मेरी रिंग नहीं मिल रही है। तुम घर भूल गई होगी। नहीं, डांस करते हुए तो मेरे हाथ में थी, मुझे याद है। अच्छा, तो फिर कहाँ जा सकती है? वो वहीं कहीं गिर गई होगी। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे यार, मुझे क्या बैल की तरह टकरे मारते हुए जा रहे हैं। यार नाज नहीं दिखती ना मुझे, तो समझ लो मैं अंधासा हो जाता।
कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करे भाई। मौके की तलाश में तो जा रहा हूँ, नाश की कलाइयां बिल्कुल सुनी है और मुझसे देखी नहीं जा रही है। मौके की बात भी कौन कर रहा है, यानी कि खुद ने फुल मौका अवेल किया हुआ है, पूरा खानदान वहां है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे। मैं तो वो ये वो तो सब जानता हूँ, हम भी ये सब कुछ कर चुके हैं। चलो और घूमते। हाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रही थी? हार बनाना चाहिए हमें बाबू वेडिंग का। हाँ बस अल्लाह नजर में लगाए। अरे ओ नहीं, अरे लगा दी ना नजर। बाबू भैया मत्ती से कहें जनरेटर चलाए। मत्ती जनरेटर चलाओ। अरे पता नहीं कहाँ रह गया यार, तो तुम खुद जाकर चला दो। मैं देखता हूँ। जाओ जाओ। अरे ओ देख क्या बाबू भैया देख। ओ बहुत अच्छा है। तू चांद और मैं तारा।